हे गाइस, व्हाट्स अप। आई एम सौरभ राजपूत ऑफ रियल एडवेंचर। गुड मॉर्निंग। और इस गुड मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है राजस्थान के खूबसूरत शहर जैसलमेर से। तो होपफुली राजस्थान की ये बस सीरीज आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होगी, चाहे वो दिल्ली से जयपुर हो, जयपुर से उदयपुर हो, उदयपुर से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, या फिर बाड़मेर से हो जैसलमेर। तो होपफुली आपको सारी की सारी वीडियो पसंद आ रही होगी। बाकी कमेंट करके बता दो कि राजस्थान सीरीज में सबसे अच्छा व्लॉग आपको कौन सा लगा है। बाकी बात करें जैसलमेर की, तो क्या खूबसूरत ये शहर है। गर्मियों में थोड़ा सा परेशानी आपको जरूर कर सकता है, लेकिन अगर प्लीजेंट मौसम में यानी थोड़ा सा सर्दियों के टाइम पे आओ तो यार बहुत ही प्यारी जगह है, घूमने लायक है। सैंड ड्यून यहाँ पे है, जैसलमेर फोर्ट यहाँ पे है, गदसारी लेक यहाँ पे, तो काफी सारी और भी लोकेशंस यहाँ पे घूमने लायक है। बाकी अगर आप में से कोई जैसलमेर से वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके बताओ कि भाई साहब क्या क्या चीज यहाँ पे घूमी जा सकती है। तो आज के प्लान की अगर बात करें तो मैं आज निकल रहा हूँ जैसलमेर से बीकानेर के लिए। हालांकि यहाँ जैसलमेर से भी कुछ और रूट थे जो मैं कवर करना चाहता था, जैसे कि टनौट माता मंदिर हो गया या फिर पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, तो उधर की साइड भी मैं जाना चाहता था, लेकिन इस बार हम नहीं जा पा रहे हैं। कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे तो उन रूट को भी कवर जरूर कर लेंगे। बट मेन बात है कि आज का सफर रहने वाला है जैसलमेर से बीकानेर का। सफर है करीबन 330 किलोमीटर का। बस रवाना होगी सुबह 6 बजे और बीकानेर हमें पहुंचा देगी आई गेस 6-7 घंटे के आसपास पहुंचा देगी। वैसे मैं आपको बता दूं, आज मैं ट्रेवल कर रहा हूँ राठौर ट्रेवल एजेंसी की AC स्लीपर बस में। बस रवाना होगी हनुमान सर्कल से सुबह 6 बजे। तो चलिए पहले हनुमान सर्कल चलते हैं और बाकी ये देख लो, ये अपना कुछ हॉस्टल है, द हॉस्टलर, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। ये देखिए डॉर्मेट्री वगैरह यहाँ पे है, काफ़ी कोजी डॉर्मेट्री है। ये देखिए बाकी वॉशरूम वगैरह भी साफ सुथरा है, तो और क्या ही चाहिए यार। वाईफाई वगैरह भी अवेलेबल है और यहाँ पे देखिए लॉकर वॉकर भी बने हुए हैं सारे ना। हालांकि इस बार मैं डॉर्मेट्री में अकेला हूँ क्योंकि अभी ऑफ सीजन चल रहा है, तो उतने ज़्यादा टूरिस्ट उतने ज़्यादा ट्रैवलर यहाँ पे नहीं है, तो जितनी भी डॉर्मेट्री है ना सारी खाली हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहीं से ब्लॉग की शुरुआत कर लेता, क्योंकि बाहर तो भाई साहब काफ़ी अंधेरा है, क्योंकि आपको पता है कि भाई उतना जो सूरज है भाई वो देरी से निकलता है, तो उस वजह से अभी तक यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, हनुमान सर्कल पहुँचते हैं और देखते हैं कि भाई अपनी बस वहाँ पे कहाँ से मिलने वाली है। तो देख रहे हो भाई साहब अभी भी कितना अंधेरा है, करीबन 5:30 से भी ऊपर का टाइम हो गया। और हाँ, बाकी मौसम ना सुबह सुबह यहाँ पे बहुत ठंडा रहता है, क्योंकि रेत साइड वाले यानी डेजर्ट साइड वाले जितने एरिया होते हैं ना, वो सुबह और रात को थोड़े से ठंडे हो जाता है। तो अभी तो भाई साहब मौसम एक नंबर हो रखा है। तो ये सामने आप जो देख रहे हो ना, ये है हनुमान सर्कल या हनुमान चौराया बोल सकते हो। और इधर काफ़ी सारे ट्रेवल एजेंसी और बसेस के ऑफिस है, तो देखो काफ़ी सारी बसेस वगैरह खड़ी हैं। तो चलिए देखते हैं कि अपनी बस कहाँ पे लगी हुई है। और बाकी देखो शाम, तो चलिए देखते हैं कि अपनी बस कहाँ पे लगी हुई है। बाकी देखिए सुबह सुबह यहाँ हमें नज़ारे देखने को मिल गए हैं हमारे देश के तिरंगे झंडे के, जो कि लहर रहा है। तो ऐसे लहरता हुआ ना अपने देश का झंडा हमेशा अच्छा लगता है। तो देखो ये सामने आप जो देख रहे हो ना, यही है हनुमान सर्कल या फिर हनुमान चौराया बोल सकते हो। तो काफ़ी सारे ट्रैवल एजेंसी और बसेस के यहाँ पे ऑफिस है। देखो उधर बसेस वगैरह भी काफ़ी सारी खड़ी हुई हैं। अभी देखते हैं कि अपनी वाली बस किधर खड़ी है। और इधर ऊपर हमें यहाँ दिखाई दे गया है अपने देश का तिरंगा झंडा, जिसको देख के हमेशा ना दिल में देशभक्ति की भावना जाग जाती है। और ऐसा लहरता हुआ ना देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो देख लो भाई, फाइनली अपनी बस आ चुकी है, जिसमें हमारा सफर रहने वाला है जैसलमेर से बीकानेर का। हालांकि बस AC है, लेकिन अभी ये समझ नहीं आ रहा कि इसकी विंडो ओपन होने वाली क्यों नहीं रखी, क्योंकि जितनी भी विंडो आप देखोगे ना सब में शटर लगे हुए, मतलब सब ओपन होने वाली विंडोज है। अभी AC है नहीं है तो भगवान जाने, लेकिन जब बुक करी थी तब तो AC दिखा रहा था। तो चलिए बस में करते हैं बोर्ड और सफर की करते हैं शुरुआत। तो मैं यहाँ से निकलूंगा बीकानेर की तरफ, लेकिन आपको पता है कि आपको कहीं नहीं निकलना होता, क्योंकि मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ एक और बेहतरीन बस जर्नी जैसलमेर से बीकानेर की। तो देख लो भाई, बस में बोर्ड कर लिया फाइनली। बस अंदर से कुछ ऐसी दिखाई देती है, 2x1 का स्लीपर बट कम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है। 2 स्लीपर इधर, 1 स्लीपर इधर, ऊपर भी और नीचे भी। बाकी इधर की साइड आपको बैठने वाली सीट्स मिल जाती हैं, पूरा पीछे तक ना ये सारी बैठने वाली सीट्स हैं। तो बस तो भाई एवरेज एवरेज लग रही है। बाकी स्लीपर बट पे आप देख लो, चार्जिंग सॉकेट आपको देखने को मिल जाएंगे, AC ब्लोर्स हैं वहाँ पे, कर्टेंस वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं, और देख लो ऐसी कुछ बर्थ है। हालांकि यार ठीक है, थोड़ी सी उतनी ज़्यादा साफ साफ नहीं है, लेकिन ठीक है। तो भाई टाइम देख लो, 6:10 हो चुके हैं और अपनी बस रवाना हो चुकी है हनुमान चौराया जैसलमेर से। बाकी भाई स्लीपर बर्थ देख लो अंदर से, उतनी ज़्यादा साफ सुथरी तो नहीं है। और ये देखो बाकी भाई सब इधर विंडो खोल ली है, क्योंकि AC तो यहाँ पे ऑपरेट नहीं हो रहा है।
और जी ये सामने आप जो देख रहे हो ना, ये है जैसलमेर रेलवे स्टेशन। तो भाई जर्नी शुरू हो चुकी है, तो टिकट वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो टिकट फेयर जो मैंने पे करा है ना इस जर्नी के लिए, वो करा है 620 रुपये। बाकी टिकट मैंने बुक करी थी रेड बस ऐप से। इसके अलावा अभी बस ऐप, पेटीएम, यात्रा, दुनिया भर के लीडिंग प्लेटफॉर्म पर इनकी बस की टिकट अवेलेबल है। और बात करें रूट की, तो रूट रहने वाला है जैसलमेर से पोखरण, पोखरण से फलौदी और फलौदी से बीकानेर। बाकी भाई देख लो इधर मौजूद है बस का स्टाफ राठौड़ ट्रेवल की। क्या नाम है सर आपका? अच्छा आप क्या देखते हो बस में, मतलब बस में क्या देखते हो आप, क्या काम करते हो? अच्छा कंडक्टर है साहब। और साहब आपका नाम? चावल सिंह। अच्छा आप क्या देख रेख करते हो? क्या नहीं, सफाई करते। अच्छा बस की देख रेख पूरी आप करते हो। हाँ। अच्छा अपने ड्राइवर साहब का क्या नाम है? क्या नाम है? अच्छा देखिए कुछ बस का स्टाफ है। और कितने साल हो गया आपको राठौर के साथ काम करते हुए, राठौर ट्रेवल के साथ? 30 साल। हाँ जी 30 साल। 30 साल? हाँ जी 30 साल से कंपनी चल रही है ये। क्या बात है, बहुत पुरानी कंपनी है। मतलब आपकी मुंह से बड़ी जबरदस्त है। तो जर्नी के दौरान ना बीच बीच में काफी सारे गांव पड़ते हैं। जैसे अभी जैसलमेर से निकले हैं तो बीच बीच में ना काफ़ी सारे गांव पड़ रहे हैं। तो उनको देख के ना एक चीज़ दिमाग में आती है कि यार शहरों के जीवन में भले ही सुविधा पूरी है, लेकिन गांव का जो जीवन है ना यार उसमें सादगी बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे से गांव हैं, एक एक स्टोरी उनमें घर बने हुए हैं, लेकिन यहाँ की जो सादगी है ना उनको तो भाई शहर कभी भी कम्पीट नहीं कर सकता। बहुत साधारण जीवन होता है, सिंपल जीवन होता है, पॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं है, सादगी रहती है पूरी यहाँ पर। भाई टाइम देख लो 8:05 हो चुके हैं और बस पहुंच गई है पोखरण। और भाई पोखरण के बारे में आपको बता दूं, पोखरण में इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट करा गया था। हालांकि वो पोखरण सिटी में नहीं कराया गया था, कैथोलाई विलेज पड़ता है यहाँ से करीबन 25 से 30 किलोमीटर के आसपास वो विलेज है। तो वहीं वो इंडिया का पहला न्यूक्लियर, रोड पे खड़े होकर वीडियो बनाने में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पहला इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट करा गया था। क्योंकि वहाँ पे जो अंडरग्राउंड वाटर था ना बहुत कम, या ना मात्र कह सकते हो कि था ही नहीं बिल्कुल वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर, इसलिए उस विलेज को सिलेक्ट किया गया था न्यूक्लियर टेस्ट के लिए। हाँ लेकिन वो जो विलेज है ना कैथोलाई, उसकी जो तहसील है वो पोखरण ही पड़ती है। और बाकी अभी करीबन 10 से 15 मिनट के लिए बस यहाँ पे रुकी है, तो चलो देखते हैं अगर कुछ सही लगता है तो खाते पीते हैं थोड़ा सा कुछ, यहाँ पे पेट का काम 25 थोड़ा सा कर लेते हैं। तो भाई देख लो उधर खड़ी है बस और यहाँ ये सामने दुकान है, तो यहाँ हमने ले लिया है पोखरण का फेमस मिर्ची पकौड़ा। तो भाई इधर मिर्ची पकौड़ा ले लिया, चलो खा के देखते हैं भाई साहब कैसा है ये। भाई इधर चमचम रखी है, चमचम भी फेमस है ना? अच्छा चमचम ज़्यादा फेमस है, ये देखो इधर रखी है। बाकी भाई पकौड़ा भी बढ़िया, थोड़ा तीखा है, मैं मिर्च थोड़ी सी कम खाता हूँ। समा बांध गया भाई एक नंबर है। क्या नाम है भैया आपकी दुकान का? अच्छा ये देख लो भाई ये लिखा हुआ है दुकान का नाम। तो कभी इधर आ रहे हो पोखरण में तो यहाँ पे मिर्ची पकौड़ा ट्राई आप कर सकते हो, या फिर चमचम भी ट्राई कर सकते हो। टाइम हो गया 8:30 होने वाले अप्रोक्सीमेट, तो
और हम पहुंच गए हैं अभी रामदेवरा। मैं आपको बता दूं, रामदेव जी का मंदिर है यहाँ पे, काफ़ी फेमस है और इवन दूर दूर से ना यात्रा पे यहाँ पे लोग आते हैं। पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको बताया भी था, लोग झंडे ले लेके यात्रा कर रहे थे बीच बीच में। जब मैं बाड़मेर आ रहा था तब भी मैंने वो चीज़ आपको दिखाई थी कि देखो लोग यात्रा के लिए निकल रहे हैं, रामदेवरा जी जा रहे हैं, तो वो यहीं आ रहे थे। यहीं रामदेव जी का मंदिर है जो कि काफ़ी फेमस है। बाकी देखो, आप इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हो कि जैसलमेर में या इसके आसपास के एरियाज में कितनी कम बारिश होती है। देखो बादल ना इतने दिनों से काले काले हो रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं है भाई, कल तो इतने काले बादल हो रहे थे। अगर कोई और एरिया होता ना 100% बारिश होती, देख के ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ पे भी बारिश होगी, लेकिन नहीं हुई बारिश। और आज भी देखो मौसम ना हल्का हल्का अभी ऐसा ही है, बादल छाए हुए हैं पूरे काले काले, लेकिन मुझे पता है कि बारिश नहीं हुई क्योंकि मैं 2-3 दिन से राजस्थान में घूम रहा हूँ। बादल पूरे काले छाए हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही, और इधर की साइड तो वैसे ही कम बारिश होती है, तो भाई काले बादल भी अगर छाए हुए हैं तो कुछ कह नहीं सकते कि भाई बारिश होगी या नहीं होगी। तो टाइम देख लो, 9:15 हो चुके हैं करीबन, और बस पहुंच गई है फलोदी। तो करीबन 10-15 के लिए भी बस यहाँ पे रुकी है। दो जगह बस का होल्ड रहता है, एक पोखरण में था वो भी 10-15 का था, और यहाँ पे भी 10-15 का होल्ड रहता है, अदरवाइज बस नॉन स्टॉप चलती है, तो सफर बढ़िया चल रहा है। बाकी अभी केबिन में बैठा हुआ था, कंडक्टर साहब पूछ रहे कि ये वीडियो वगैरह बनाते हो आपको क्या मिलता है। मैंने कहा पैसे वगैरह मिलते हैं हमें यूट्यूब से, तो जैसे मैं कोई क्लिप बनाऊं कंडक्टर साहब पूछें इसके कितने रुपए मिलेंगे, फिर दूसरी क्लिप बनाऊं इसके कितने रुपए मिलेंगे। मैंने कहा सर ऐसा नहीं होता है, वीडियो के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो फिर पूछने लग गए कि भाई कितनी सैलरी मिल जाती है। मैंने कहा सैलरी वगैरह नहीं होती है, जीने लायक गुजारा हो जाता है, बस उतना काफ़ी है। तो देख लो जी, अभी हम पहुंच गए हैं बाप नाम के विलेज में। कल एक विलेज पड़ा था, उसका नाम था गुंगा, और अभी ये जो विलेज पड़ा है इसका नाम है बाप। तो भाई टाइम हो गया है 10:36 और हम पहुंच गए हैं नौखरा नाम के विलेज में, और बीकानेर यहाँ से करीबन 88 किलोमीटर के आसपास बचा है अभी। और बाकी देखो नॉन एसी जो बस होती है ना उसमें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, जब तक बस चलती है हल्की सी विंडो ओपन रखो तो आनंद आते हैं, लेकिन जैसी बस रुकती है ना वैसी ही गर्मी फील होने लगती है। तो अभी देखो बस रुकी है तो काफ़ी गर्मी लगने लग गई है, और जैसा कि मैंने पिछली नॉन एसी स्लीपर बस में ट्रैवल करा था उसमें भी बताया था कि इसको ज़्यादा खोल नहीं सकते हैं भाई, थोड़ा सा डर लगता है कि बैठे और फ़ोन झटक के भाई नीचे ही पहुँच जाएंगे पता चले। तो देखो थोड़ी सी मैंने खोल लगी ताकि हवा आती रहे, इतने में से काफ़ी तेज़ हवा आती है, लेकिन जब तक बस चलती है तब तक आराम रहता है, जैसी बस रुक जाती है हालत खराब।
तो भाई टाइम देख लो, 12 बज चुके हैं और फाइनली हमने एंट्री कर ली है बीकानेर सिटी में। तो भाई टाइम देख लो, करीबन 12:30 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं बस के लास्ट ड्रॉपिंग पॉइंट यानी राठौर ट्रेवल के ऑफिस पे। अभी लोकेशन कौन सी है वो मुझे आइडिया नहीं है, स्क्रीन पे आपको शो कर दूंगा। बट ये देख लो, राठौर ट्रेवल का ऑफिस वगैरह बना हुआ है। मे भी बैठने वगैरह की अरेंजमेंट भी अच्छी खासी होगी अंदर, जब इतना अच्छा बड़ा खासा ऑफिस बना रखा है। तो मारो प्यारे राजस्थान की बस सीरीज का एक और ब्लॉग यहाँ पे होता है समाप्त। बात करें सफर की तो थोड़ी बहुत चीजें यार इस सफर में ना मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि देखो जब रेड बस से मैंने टिकट बुक करी थी वहाँ पे एसी बस शो करा हुआ था और बस निकलती है नॉन एसी। थी तो एसी, लेकिन एसी पूरे रास्ते में कहीं नहीं चलाया। तो जब आपको एसी नहीं चलाना है तो यार आप उस बस को नॉन एसी करके क्यों नहीं लिस्ट करते हो, तो वो थोड़ा सा मुझे अटपटा सा लगा। और एक दो चीज़ और देख रहा था यार, कुछ पैसेंजर मतलब यार चप्पल लेके बर्थ पर चढ़ जा रहे हैं यार, मतलब पूरी बर्थ गंदी हो रखी है। दो पैसेंजर को मैंने देखा जो बर्थ पे ही भाई साहब चप्पल लेके चढ़ गए, और जो मेरी बर्थ थी ना वो भी गंदी हो रखी थी। हालांकि यार देखो नॉन एसी की तरह यूज़ होगी, विंडो खुलेंगी, धूल मिट्टी आती है तो बर्थ तो गंदी होनी है, लेकिन जब जर्नी शुरू होती है तब बस को आप थोड़ा सा साफ़ सुथरा तो कर ही सकते हो। तो बस जो थी ना यार थोड़ी सी साफ़ सुथरी नहीं थी यार, सही बताऊँ तो। चलो कोई बात नहीं जी, सफ़र लगभग अपने निर्धारित समय पर पूरा हो गया, वही काफ़ी है। और बाकी आपको बता दूं कि जैसलमेर से बीकानेर आने वाली ये सबसे ज़्यादा रेटिंग वाली बस है। इसकी 3.3 रेटिंग थी और उससे ज़्यादा रेटिंग वाली कोई भी बस इस रूट पे नहीं अवेलेबल थी, तो इसलिए मैंने ये वाली बस बुक करी थी। चलो बाकी इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, और बाकी जितने डिटेल थी वो ब्लॉग के दौरान मैं आपको बता चुका हूँ। शोर शराबा थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, अगर आवाज में थोड़ी बहुत दिक्कत है तो भूल चूक माफ करना। आपको एक चीज बता दूं कि यहीं पे ना नजदीक में जूनागढ़ फोर्ट है, जूनागढ़ फोर्ट के पास ही राठौर ट्रेवल का ऑफिस है, तो वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है बीकानेर की। बाकी अगर आप में से कोई बीकानेर से वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके ये बता सकते हो कि भाई बीकानेर में क्या क्या चीज़ फेमस है और यहाँ पे खाने का क्या फेमस है, ये भी कमेंट करके मुझे बताओ ताकि मैं भी यहाँ पे कुछ अच्छा खा सकूँ। तो चलिए जी ब्लॉग को करते हैं यहीं रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और बताइए खाली हाथ नहीं जाना होता, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।